हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकांक्षा विश्नोई, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद आकांक्षा। होप यू ऑल आर वेल। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एंड आप लोग मुझसे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। पास्ट यानी कि भूतकाल, यानी कि बीता हुआ कल, जहां पर हमें पता चलता है कि हमारा कार्य पास्ट में कुछ समय से जारी था और अभी खत्म नहीं हुआ था। यहाँ पर कार्य के शुरू होने का या खत्म होने का कोई समय नहीं दिया होता है, बस हमें पता चलता है कि पास्ट में हमारा कार्य जारी था। सो पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी क्या पहचान होती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों के लास्ट में हमारे आता है रहा था, रही थी और रहे थे। जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा होगा, रहा था, रही थी, जैसे कि वह खाना खा रहा था, पास्ट में यहाँ पे हमारा कार्य होता है। अब देखते हैं हम इसके रूल्स कि इसके क्या रूल्स हैं। आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउंस के साथ। सिंगुलर नाउंस के साथ हमारा क्या लगता है? वॉज। आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउंस के साथ हम यहाँ पे यूज करते हैं वॉज का। एंड मेन वर्ब के लास्ट में आईएनजी हमारा प्लस हो जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा एंड लास्ट में हमारा आईएनजी प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से जो अदर सब्जेक्ट है हमारे, जैसे कि वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउंस, उनके साथ हम किसका यूज करेंगे? वर्ब का। एंड वर्ब लगाकर हम मेन वर्ब के लास्ट में क्या यूज करेंगे? आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में हम आईएनजी जोड़ देंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउंस के साथ वॉज का यूज करेंगे एंड वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउंस के साथ हम यूज करेंगे वर्ब का। और आई एन जी का यूज इसमें जरूर होता है, किसमें? कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस। अब एक बार देख लेते हैं हम इसकी वर्ब पैटर्न कि इसकी क्या वर्ब पैटर्न होती है। सबसे पहले यूज होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना है आपको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी सीक्वेंस में, इसी वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं एंड उसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए गाइस, अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, मैं कल यात्रा पर जा रहा था। तो देख सकते हैं आप लास्ट में क्या आया है हमारा? रहा था, यानी कि पता चल रहा है हमारा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और कार्य हमारा कब में चल रहा है? पास्ट में हमारा जारी है। मैं कल यात्रा पर जा रहा था, तो ये इसकी पहचान है, बहुत बड़ी। इसी तरीके से आपको सेंटेंस की पहचान करनी है। सब अब देखते हैं इंग्लिश कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस की। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? आई, जो कि है हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पे आई क्या हो गया? यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट। आफ्टर दैट वॉज, ये क्या हो गई हमारी? हेल्पिंग वर्ब। आई वॉज गोइंग, यानी कि जा रहा था। ये गोइंग यहाँ पे क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या प्लस कर दिया? आई एन जी।
गो में हमने क्या प्लस कर दिया, आई एन जी। ऑन ए जर्नी, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। तो इस तरीके से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनेगा। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा गाइस। सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हमारी हेल्पिंग वर्ब आई वाज गोइंग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ दिया। ऑन ए जर्नी, यात्रा पर, कब जा रहा था, कल, यानी कि यस्टरडे। आई वॉज गोइंग ऑन ए जर्नी यस्टरडे। उसी तरीके से हम देखते हैं अपना सेकेंड सेंटेंस, वे अपने भाइयों को पीट रहे थे। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारा, दे की इंग्लिश क्या हो गई, वे की इंग्लिश क्या हो गई हमारी, दे। दे यहां पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट। दे के साथ हमारा क्या यूज होगा, ये दे के साथ मैंने बताया था यूज होगा वर, तो वर यहां पे हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर। प्लस पीट रहे थे, पीटने की इंग्लिश क्या हुई हमारी, बीट। ये है हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बीट यानी कि पीटना। बीट में हमने क्या प्लस कर दिया, आई एन जी, ये हमने इसमें प्लस कर दिया, तो क्या हो गया, बीटिंग। दे वर बीटिंग किसे, अपने भाइयों को। तो अपने भाइयों की दे के साथ अपने की इंग्लिश क्या आ जाएगी, दियर। दे वर बीटिंग दियर ब्रदर्स, वे अपने भाइयों को पीट रहे थे। तो इस तरीके से इसकी इंग्लिश बनेगी। अब देखते हैं हमारा थर्ड सेंटेंस, तुम रात के समय इतिहास याद कर रहे थे। तो तुम की इंग्लिश क्या हो गई यहां पे, यू, जो कि है हमारा सब्जेक्ट। आफ्टर दैट यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं हम, वर्ब, तो ये क्या हो गई हमारी, हेल्पिंग वर्ब। प्लस याद कर रहे थे, याद करने की इंग्लिश क्या होती है हमारी, लर्निंग, लर्न। लर्न में हमने क्या जोड़ दिया, आई एन जी, तो क्या हो गया, लर्निंग। क्या याद कर रहे थे, इतिहास, रात के समय इतिहास याद कर रहे थे, हिस्ट्री एट नाइट, यू वर लर्निंग हिस्ट्री एट नाइट। तो इस तरीके से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी हमारा प्लस होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए गाइस, अब हम प्रैक्टिस करते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, जहां पर हमारा नॉट का यूज होता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसकी वर्ब पैटर्न, किस सिक्वेंस में, किस अकॉर्डिंग इसके सेंटेंस बनते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस नॉट, नकारात्मक निगेटिव का वाक्य है तो नॉट का यूज होगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गई हमारी वर्ब पैटर्न, इसी सीक्वेंस में हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस, सिपाही चोरों के पीछे दौड़ नहीं रहे थे। तो देख सकते हैं आप इसमें क्या आ गया, नहीं। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारा, सब्जेक्ट, जो कि है द पुलिसमैन। हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल फॉर्म है सिपाही, बहुत सारे सिपाही हैं, तो यहाँ पे हो गई है हमारी प्लूरल फॉर्म, द पुलिसमैन वर नॉट, वर के साथ नॉट आ जाएगा निगेटिव में। चेजिंग यानी कि पीछा करना, चेज में हमने आई एन जी जोड़ दिया, चेजिंग आफ्टर द थीव्स, चोरों के पीछे नहीं दौड़ रहे थे। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया। अब देखते हैं हमारा सेकंड सेंटेंस, ये लड़कियां कक्षा में शोर नहीं मचा रही थी। देख सकते हैं आप हमारा क्या आया है, नहीं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आ गया, दीज गर्ल्स, यहां पे भी आप देख सकते हैं ये हमारा प्लूरल फॉर्म है, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी हमारी, वर, निगेटिव का वाक्य है तो नॉट। दीज गर्ल्स वर नॉट, शोर मचाने की इंग्लिश क्या होती है हमारी, मेकिंग ए नॉइज, जहां पर भी वर्ड्स आता है शोर मचाना तो वहां पे यूज होता है हमारा मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा।
दीज गर्ल्स वर नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। तो आप प्रैक्टिस कीजिए अफर्मेटिव निगेटिव, तभी आप अच्छी तरीके से, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही सेंटेंस अच्छी तरीके से बना सकेंगे। चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पर हमसे कुछ पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं इसकी वर्ब पैटर्न, कि किस सीक्वेंस में, किस अकॉर्डिंग ये सेंटेंस हमारे बनते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि क्या, क्यों, कब, कैसे। आफ्टर दैट वॉज वर्ब, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क का यूज इसमें जरूर होगा। इसी सीक्वेंस में हम अपने सेंटेंसेस बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ये लड़के कल अपने कपड़े धो रहे थे? तो देख सकते हैं आप, ये लड़के हमारा क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म, और स्टार्टिंग में आया है हमारा क्या। तो क्या की इंग्लिश यहाँ पे हम व्हाट नहीं लगा के, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसे हम स्टार्टिंग में ले आएंगे। तो दीज बॉयज, ये प्लूरल फॉर्म है, बहुत सारे लड़के हैं, तो प्लूरल फॉर्म के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगाते हैं, वर्ब। तो वर्ब कहाँ आ जाएगा हमारा, स्टार्टिंग। वर दीज बॉयज वॉशिंग दियर क्लॉथ्स, कपड़े धोना, यानी कि वॉश, ये क्या हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये हो गई हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें हमने क्या प्लस कर दिया, आईएनजी, तो क्या हो गया ये, वॉशिंग। दियर क्लॉथ्स, दे के साथ अपने की इंग्लिश लग जाती है दियर। वर दीज बॉयज वॉशिंग दियर क्लॉथ्स यस्टरडे, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, क्योंकि ये पास्ट के वाक्य हैं। तो इसी तरीके से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे इसी सीक्वेंस में। अब देखते हैं हम अपना सेकंड सेंटेंस, तुम कल क्या खा रहे थे। यहाँ हमसे पूछा गया है तुम कल क्या खा रहे थे, तो क्या हमारा बीच में आया है। तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश लगाएंगे हम, क्या यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, क्वेश्चन वर्ड। तो देख सकते हैं आप वर्ब पैटर्न में, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे है हमारा व्हाट, सबसे पहले आ गया हमारा व्हाट। आफ्टर दैट हमारी क्या यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब, जो कि हो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लगेगी, वर, यू के साथ हम वर का यूज करते हैं, व्हाट वर प्लस सब्जेक्ट। तो इसके बाद क्या आ गया हमारा, सब्जेक्ट, व्हाट वर यू प्लस नॉट, व्हाट वर यू नॉट, तुम कल क्या नहीं खा रहे थे, तो यहाँ पे हम लगा देंगे नॉट, व्हाट वर यू नॉट। खाने की इंग्लिश हो गई हमारी ईट, ईट में हमने क्या प्लस कर दिया, आईएनजी, ईटिंग यस्टरडे। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा इस वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं हम हमारा थर्ड सेंटेंस, वे कल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्यों की इंग्लिश सबसे पहले क्या आ जाएगी, वाई, जो कि है हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारे क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, जो कि हो गई हमारी वर्ब, वाई वर दे, दे क्या हो गया यहाँ पे हमारा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, नॉट, जैसा कि वर्ब पैटर्न में भी नॉट, प्लेइंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, खेलना, प्ले, प्ले में हमने क्या प्लस कर दिया, आईएनजी, तो क्या हो गया हमारा, प्लेइंग। क्रिकेट यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, वाई वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारे इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस बनेंगे। होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड कहीं कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। और हाँ गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम एंड FB पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।